किसको कर? इतनी मोर चल रही है। सामान ले लो घर से। तो गाइस ये रहा मेरा, चेंज करके खा लेना। किसको करना है? ले जाओ, गिर, दोनों हाथ से पकड़ के ले जाओ, नहीं ये दोनों पकड़ के ले जाओ नहीं तो गिर जाएगा। बस ये सब ये सारा सामान निकाल दिया गया है। सब स्पर्श गिरा देता है, बोलो नहीं। वन गिरा था, कितना गिरा था? वन। इधर इधर काम से ज्यादा रील में फोकस है। ले जाओ रखो बेटा। उसको बाहर मत रखो बेटा, टिश्यू पेपर यहीं रखो। टिश्यू पेपर यहाँ रख लो। इतनी मोटी हूँ, अगर रैक पे चढ़ जाऊंगी तो रैक टूट जाएगा। हाँ कहानी, तुम्हें तो अपना अंदाजा होगा। और टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, वैसे तो मैंने रूम वगैरह सब क्लीन कर दिया है, किचन बिल्कुल नहीं हुआ था। तो आज मैंने ना हॉस्पिटल से आई उसके बाद मैं शुरू हो गई कि चलो साफ़ सफाई कर लेते हैं, और बीच बीच में रेस्ट करके तब मैंने किया। और ये सारे डब्बे जो हैं ये सारे वॉश भी करने हैं। सामान कौन रखेगा पहले बताओ, बोलो। बोलो मैं रखूंगा। तेज बोलिए। सब निकल गया। हाँ मैं इधर का बात नहीं रखूंगा। ले इधर का रखो। ये हो जाएगा ना तो ये तो मैं थोड़ा थोड़ा करके रात रात में भी कर लूंगी। थोड़ा थोड़ा ले जाए वो। ये चार माता कितना सारा सामान स्पर्श रखा अकेले। कौन रखा है? बोलो मैं इतना सारा रखा हूँ। एवरीवन, तो ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किचन से रिलेटेड एक प्रोडक्ट की रिव्यू, जो मेरे पास नहीं था और काफी लॉन्ग टाइम से मैं सोच रही थी, एक से डेढ़ साल पहले से, कि मैं इस प्रोडक्ट को लूँ, क्योंकि कई बार ना ये चीजें जरूरी हो जाती है। तो दोस्तों ये मैं रिव्यू करने वाली हूँ आपके साथ अगारो का हैंड ब्लेंडर का। ये हैंड ब्लेंडर मेरे पास नहीं था, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। एंड दोस्तों ये ना 1 ईयर वारंटी के साथ आ जाता है, चलिए इसको निकाल के दिखाती हूँ मैं। और आप इसको स्विच बोर्ड में लगा के आप इसको चला सकते हो, हैंड से इसको मतलब हैंड से ऑपरेट करना है। चलिए इसका वायर भी काफ़ी अच्छा लंबा दिया हुआ है, क्योंकि जब लंबा वायर रहता है ना तब हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी भी कहीं भी स्विच बोर्ड में लगा दो, देख सकते हो। और इसको भी मैं फिक्स करूँगी। और ये स्टील ब्लेड के साथ आ जाता है, एंड इसकी जो बॉडी है ना ये भी स्टील बॉडी है, ये देख सकते हो आप। तो चलिए मैं इसको फिक्स कर लेती हूँ। जस्ट फिक्स करना भी बहुत इजी है, जस्ट इस तरीके से करने के बाद ये हो गया फिक्स, देख सकते हैं। और अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। आप इसे मिक्सिंग कर सकते हो, ब्लेंडिंग कर सकते हो, साथ ही साथ आप गर्म चीज़ें भी ब्लेंड कर सकते हो और ठंडी चीज़ें भी कर सकते हो। एंड दोस्तों ये 600 वॉट के साथ आता है और बहुत ईजी है इसको यूज़ करना। मैंने पहले भी इसको देखा है, मैंने किसी को यूज़ करते हुए, तो मैं सोची कि चलो इसको मैं मंगाती हूँ अभी। एंड सबसे बड़ी बात दोस्तों ये ना 8 स्पीड कंट्रोलर के साथ आता है। तो चलिए इसको बैक कैमरे से मैं आपको सारी डिटेल इसके बारे में बताती हूँ। एंड दोस्तों अगारो के प्रोडक्ट ना आप इस हैंड ब्लेंडर के अलावा अगारो के आपके बहुत सारे कुकवेयर मिल जाएंगे, नॉन स्टिक कुकवेयर मिल जाएंगे, स्टील के मिल जाएंगे, साथ ही साथ जो कांच के भी बर्तन मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी। सो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए बैक कैमरे से इसके बारे में सारी डिटेल बताती हूँ, साथ ही साथ इसको यूज कैसे करना है ये भी मैं दिखाती हूँ।
तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अगारो का हैंड ब्लेंडर जो कि 600 वॉट के साथ आता है। वेरिएबल स्पीड मोड्स दिया हुआ है, स्पीड रेगुलेटर है, स्टेनलेस स्टील इसकी बॉडी दी, यहाँ से आपने इसका जो स्पीड है वो चेंज कर सकते हैं और बहुत सारी स्पीड इसमें दिए हुए हैं। जो भी आपको कम रखना है, ज़्यादा रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। आप इसको आप मिक्सिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ब्लेंडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आपको ऑन करना है। जो ये है ना नॉर्मल मोड दिया हुआ है, इसमें एट स्पीड सेटिंग दी हुई और नीचे यह है टर्बो मोड दिया हुआ है। आप ब्लेंड करना है फूड को तो हाई स्पीड वगैरह आप कुछ भी कर सकते हो और यहाँ से आपको फिक्स करना है। आप इससे सूप को ब्लेंड कर सकते हो, बेबी फूड बना रहे हो उसमें भी यूज़ कर सकते हो, स्मूदी बना रहे हो उसमें भी, मिल्क शेक में भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही काम की चीज़ है। एंड दोस्तों ये वॉशेबल भी है, आगे का जो पार्ट है आप इसको वॉश कर सकते हो और डिलीशियस रेसिपी आप प्रिपेयर कर सकते हो इसकी हेल्प से। और अगर आप इसको लेना है तो ज़रूर से लेना। अभी मैं इसको यूज़ करके दिखाती हूँ। मैं अभी बनाने जा रही हूँ लस्सी। मैंने दही में सब कुछ डाल दिया, उसके बाद स्पीड सेटिंग कर ले रही हूँ यहाँ से जितना मुझे स्पीड रखना है और देन मैं उसको पावर प्लग में लगा दी हूँ, मैं इसका प्लग। उसके बाद मैं ऑन करके और जिस स्पीड सेटिंग में मुझे यूज़ करना है उस तरीके से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो कुछ ही मिनट में मेरी लस्सी बन के तैयार हो गई। इस तरीके से आपको कुछ भी मिक्सिंग ब्लेंडिंग कुछ भी करना है आप आराम से कर सकते हो। आप कढ़ी बना रहे हो, दही बड़े बना रहे हो, कुछ भी मिक्स करना है कर सकते हो। बहुत इजी है इसको यूज़ करना। तो देख सकते हो मेरी लस्सी तैयार है। तो इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए गाइस ब्लॉग की तरफ चलते हैं। तो किचन से ना ऑलमोस्ट ऊपर का तो सारा ही सामान मैंने निकाल दिया था और सारे डब्बे रखी हूँ बाहर वॉश करने के लिए। पाइप लगाऊंगी और फिर आराम से बैठ के वॉश करूंगी। उससे पहले जितना जगह खाली हुआ था उसको मैं अभी क्लीन कर ले रही हूँ। पहले तो मैं सूखे कपड़े से साफ़ करी, गीला कपड़ा से इसको सुखाऊंगी, उसके बाद फिर मैं इसके अंदर न्यूज़पेपर वगैरह बिछाऊंगी जो भी बिछाना होगा। और ऊपर का ये भी सब साफ़ कर ले रही हूँ क्योंकि इस पर भी ना एकदम चिपचिप हो रहा था। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन जहाँ पे हैंड से खोलते हैं ना वहाँ पे हुआ था। देन यहाँ पे सारे डब्बे आधा से अधिक मैंने अभी वॉश कर लिए हैं और फिर अभी जो बाकी रह गया है ना कुछ, जो इसमें से आधा से अधिक जो डब्बे हैं उसको मैंने अंदर से साफ़ कर लिया था पहले ही। अब ऊपर से साफ़ करना है मुझे बस। यहाँ पे ना इसी में लगी हुई थी और इतना ज़्यादा मतलब मेरे को टाइम लग गया ये सारी चीज़ें वॉश करने में क्योंकि विनेगर, गरम पानी, सर्फ़ ये सब कुछ मैंने ना इस टब में डाल लिया था। उसके बाद मैं अच्छे से वॉश कर रही थी। फिर सारे डब्बे वॉश करके आराम कर रही थी। इतनी देर में मेरे को टेस्ट वगैरह करवाना था, कुछ ब्लड टेस्ट था, तो वो अभी ये बुलाए थे घर पर ही सैंपल ले जाने के लिए। तो मैं इतना ज़्यादा मतलब डर जाती हूँ, बहुत डरती हूँ मैं अगर कोई ब्लड निकाले, इंजेक्शन दे। तो बस यहाँ पे वहीं चल रहा था और मेरा मुंह बना हुआ था, ये जानबूझ के शूट कर रहे थे और बैकग्राउंड में बहुत कुछ ये बोले थे बट मैंने म्यूट कर दिया है। बोलते हैं मुझे जब बोलना होता है तो बहुत बोलती है और जब इंजेक्शन लगता है तो रोने लगती है। तो देखो हर कोई डरता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अच्छी चीज़ है और मतलब उसको खाने से हमें मीठा मीठा सा मतलब जैसे होता है ना स्वीट्स खा रहा है ऐसा तो कुछ है नहीं, पेन तो होता ही है थोड़ा बहुत। तो बस यहाँ पे ब्लड जो था वो मेरा अभी वो ले लिए थे, सैंपल ले लिए थे, दो के सब रख दी थी। तो स्पॉश और ये दोनों लोग डब्बा उठा के मेरी हेल्प कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम कर लें। हाँ नहीं क्या आप सब काम आप किए हैं, सारा क्लीनिंग आप किए हैं, है ना। स्पॉश भी देखिए उठा उठा के सारा रख रहा है। क्या स्पॉश नाचोगे भी अभी, डांसो करते हो? और देखो पिजन को नज़दीक से पिजन को दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस बड़ा बड़ा टमाटर उपड़ेगा। हाँ टमाटर, हाँ केचप तो है नहीं, क्या करूँ? क्या केचप है, छोटा छोटा वाला वही डाल देती। प्याज भून रही हूँ अभी, ये बॉईल करके रख दी हूँ मटरों में, ठीक है सही है ना। तेज लग गया ना, मिर्च भी डाल देती हूँ, दही भी डाल देती हूँ, मिर्च भी दीजिए। तो गाइस ये रहा मेरा मैक्रोनी और ये दोनों इधर खा रहे हैं स्पर्श और ये दोनों और ये मेरा मैक्रोनी। और ले लेना स्पर्श, ठीक है। स्कूल से आके बैग लिए किचन में गया था चेक करने कि काजू कतली है कि नहीं डब्बे में। काजू कतली था ना, चेंज करके खा लेना, ठीक है। और इधर सब्जियां रखी हुई हैं, ये सारा सब्जी मुझे करना है सेट।
डाल भी कर दे रही, तो ये पालक तो आज मैं बना दूंगी, पालक और मशरूम, पालक इनको खाना नहीं है। देखो सुबह तो मैंने सारा नहीं कोई